उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद महोबा पहुंचकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में पूर्व में काबिज रही अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर पदाधिकारियों से औपचारिक भेंटवार्ता की। हेलीकॉप्टर से जनपद महोबा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड में केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर भाजपा जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी पार्टी के सदस्यों को संबोधित किया। इसी के साथ उन्होंने मुख्यालय के बोध मठ पहुंचकर भगवान बोध के दर्शन किए। साथ ही पान की खेती का निरीक्षण कर पान किसानों से वार्ता की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महोबा दौरा काफ़ी व्यस्त रहा। कलेक्ट्रेट सभागार में लघु एवं बड़े उद्यमियों के साथ बैठक के साथ ही जनपद में काबिज ऑफ स्क्रीन के साथ भी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। और उस कार्यालय के माध्यम से पार्टी का काम करने वाले देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता, मेरे आदर और सम्मान के प्रतीक, इसलिए मैं जब भी आता हूं तो पहले मुझे कार्यालय ही जाना है और उसके बाद ही बोलना है। और अच्छी बात यह है कि अब जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है और आज आप सब उत्साह से श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं, परिवार बचाओ यात्रा है। और कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता कहलाते थे, वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं या कांग्रेस छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाओ ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस मुक्त भारत देश होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में श्री राहुल गांधी जी या श्री नीतीश कुमार जी या श्री अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी जी या तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के केसीआर जी या जितने भी हैं, या सारे लोग दर्जन भर से अधिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन इनके द्वारा सपना देखा जा सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जनता चूँकि माननीय मोदी जी के चुनाव को लड़ती है, मोदी जी के चुनाव को जिताती है, हमारा कार्यकर्ता परिश्रम खंड से लोग पलायन नहीं करेंगे, पूरा देश बुंदेलखंड में आएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है, यहाँ डिफेंस कारी रोड बन गया है, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से तीव्र विकास हो रहा है। और जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार काम कर रही है, उसमें महोबा भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ के सभी जो अधिकारी हैं, माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको बधाई देता हूँ। अधिकारियों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करने का काम है कर रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से अलग हो करके लड़े थे, उनके दो सांसद जीते थे। माननीय मोदी जी का चेहरा जब था, वो भाजपा से गठबंधन किए तो उनके सांसदों की संख्या सदन में बढ़ गई। लेकिन 2000 आप विश्वास रखिएगा 2024 में भी वह दो की संख्या जीत करके चले जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो। मुंगेरी लाल का मैंने कहा हसीन सपने देखें, लेकिन उस हसीन सपने देखने से प्रधानमंत्री पद नहीं प्राप्त होता। 24 में भी हम यूपी से 80 में से केवल 80 सीटें जीतना चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं, अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती, वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, यह हमारा नेतृत्व तय करता है।